अग्निपथ लेकर आई, हम इसके विरोध में डीसी के तहत राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हैं भाई हम इस अग्निपथ का विरोध करते हैं, क्योंकि 4 साल के अंदर बच्चा को 4 साल के लिए जो नौकरी दे रही है सरकार, हमें ये मंजूर नहीं, क्योंकि 4 साल जिस टाइम पढ़ने का टाइम है उस टाइम तो बच्चे को नौकरी दी जाओगी, जिस टाइम बच्चा परिपक्व होगा उस टाइम वो बेरोजगार होगा, तो इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसका मनोबल डाउन होगा, क्योंकि नौकरी के दौरान बच्चों के खर्चे बढ़ जाते हैं, उसके बाद सरकार उसको कुछ नहीं दे रही और जो पैसे ब्लास्ट में दे रही है उन पैसों को तो वही बात अभी खा लिया खावागा किसान के घर में, वो पैसे तो आते ही लग जाएंगे, उसके बाद उनका कोई स्थायी रोजगार नहीं। ये सरकार चाहती है इनको अडानी अंबानी के गोदामों पर मतलब बॉडी गार्ड लगाना या गार्ड लगाना, और जो आरएसएस के दफ्तर है आपने सोच देखा भी होगा, एक मंत्री ने कहा था कि भाई हम इनको प्राथमिकता देंगे, हमारे बच्चे ना किसी के गार्ड लगने के लिए नहीं है। हम सरकार को कहना चाहते हैं यदि आपको अग्निपथ लागू करना है तो आप अपने ऊपर जो खर्चे कर रहे हैं, आप जो भत्ता ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, और बार बार जितनी बार आप जीतते हैं उसके बाद जो आप लगातार उसको पेंशन को लागू रखते हैं उसको आप छोड़िए, और विदेशों की तरह 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बनिए, हम आपको सदनवीर कहने के लिए तैयार है, और इस अग्निपथ को हम 3 काले कानूनों की तरह दोबारा से वापस करा के रहेंगे, इसके लिए हमें हम तन मन धन से तैयार है। 3 काले कानून वापस हुए थे तो अग्निपथ भी वापस होगा, वो हमारी फसल की लड़ाई थी, हमारी नस्ल की लड़ाई है, और हमने हर हालत में नस्ल को बचाना है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मोर्चा के आह्वान पर, खाप पंचायतों के आह्वान पर, और जो रिटायरमेंट कर्मचारियों का संगठन है संघ के मांग पर, हमने युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया सरकार ने, और देश की सुरक्षा के जो खतरा है अग्निपथ सरकार योजना लेकर आई है उसके विरोध में आज उसको निरस्त करवाने के लिए डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का कार्य किया है। तो आज सब इकट्ठे हुए थे, सभी संगठन सभी खाप पंचायतों ने आकर यहाँ पर हमने मांग पत्र दिया है और सरकार से मांग की है कि इस अग्निपथ भर्ती योजना है उसको जल्दी से जल्दी निरस्त करने का काम करें। ये आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? नहीं तो ये आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा जब लग ये अग्निपथ योजना निरस्त नहीं हो जाती।